हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बनाएंगे सिंपल तरीके से मिनटों में बनने वाली सेवई की खीर और सॉफ्ट फूली फूली मेथी की पूरी। तो बहुत ही स्पेशल ट्रिक से आज हम बनाएंगे सेवई, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो इसके लिए हमने लिया है यहाँ पर एक पैकेट सेवई। ये बिना रोस्ट की हुई पतली वाली सेवई है। हम पहले इसे दो टुकड़ों में तोड़ लेंगे। हमें इसे एकदम से चूर चूर नहीं करना है, सिर्फ दो टुकड़ों में ही तोड़ना है। अब लेंगे हम यहाँ पे दूध। तो हमने यहाँ पे एक पैकेट सेवई के लिए 2 लीटर दूध लिया है। जब तक हमारे दूध बॉयल होती है तब तक हम सेवई को रोस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक कढ़ाई में लिया है 1 टेबल स्पून घी। आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें रखेंगे सेवई और इसे 2 चम्मच की हेल्प से हम इसे रोस्ट करेंगे। नहीं तो अगर हम 1 चम्मच की हेल्प से करेंगे तो ये फिर पूरा चूर चूर के टूट जाएगी, इसीलिए हमें इसे 2 चम्मच से बिल्कुल इसी तरह अच्छे से गोल्डन होने तक रोस्ट कर लेना है। सेवई हमारी रोस्ट हो गई है, तब तक हमारी दूध भी बॉयल हो गई है। जब दूध अच्छे से 2-3 मिनट तक बॉयल हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे चीनी। यहाँ पे हमने 200 ग्राम चीनी लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जब ये इसमें एक अच्छी बॉयल आ जाए फिर हम इसमें डालेंगे रोस्ट की हुई सेवई। दूध में हमारी बॉयल आ गई है और अब हम डालेंगे सेवई। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, बट मेरे यहाँ किसी को पसंद नहीं तो हम लोग बिना ड्राई फ्रूट के ही सेवई की खीर बनाते हैं। और जब इसमें अच्छी बॉयल आ जाए फिर हम तुरंत ही गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। और अब बनाते हैं हम पूरी। तो इसके लिए हम लेंगे यहाँ पे 2 कप आटा और हमने लिया है 1 कप मैदा, थोड़ी सी नमक, 1/2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हमेशा पूरी में ऐसे क्रश करके डालना चाहिए जिससे स्वाद हमारी अच्छी आती है। और अब डालेंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी और इसे भी हम थोड़ा क्रश कर लेंगे। और अब डालेंगे हम यहाँ पे रिफाइंड ऑयल। यहाँ पे हमने 3 टेबल स्पून रिफाइंड डाला है। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें पहले अच्छे से मिक्स करना है। हम जब तक मिक्स करेंगे तब तक कि हमारे हाथ में आटों की वाइंडिंग ना बनने लगे। और फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। हमें एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही हमें डो तैयार करना है। बिल्कुल मैश करते हुए हमें डो तैयार कर लेना है। डो हमारी तैयार है, हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रखेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम पूरी बेल लेंगे। तो ना ही पूरी हमें ज़्यादा पतली बेलनी है और ना ही ज़्यादा मोटी बेलनी है, एक जैसी शेप में हम पूरी बेल लेंगे। पूरी की साइज आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। सारी पूरी को हम एक साथ बेल लेंगे और अब हम इसे तलेंगे। तो इसके लिए हमने लिया है रिफाइंड ऑयल। तो हम चेक करेंगे जब बिल्कुल तेल गर्म हो जाए, मतलब कि तेल से जब धुआं निकलने लगे उसके बाद ही हम पूरी को इसमें डालेंगे। और इसे हाथों से प्रेस करते हुए हम पूरी को तलेंगे। पूरी हमारी कितनी अच्छी फूली बनी है। फुली फुली पूरी बनाने के लिए हम जब भी कढ़ाई में पूरी को डालेंगे तो इसे हल्के हाथों से हमें प्रेस करना है बीच में, इससे हमारी पूरी फूलेगी। इसी तरह हम बाकी सभी पूरी को तल लेंगे। तैयार है हमारी बन की। तब तक हमारी सेवई भी ठंडी हो गई है, हम इसे सर्व करेंगे। और फुली फुली हमारी पूरी भी तैयार है। तो है ना बिल्कुल सिंपल और मिनटों में बनने वाली। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।